कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ हैं। सिब्बल साहब, कांग्रेस छोड़ दी समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने की तैयारी, क्या कुछ नया इक्वेशन बन रहा है सियासत में? आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा क्या इक्वेशन बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, वक्त लगता है हर इक्वेशन बनने का। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि आजम खान साहब नाराज थे, आप नजदीकी हैं, तो राज्यसभा का रास्ता इस वजह से सियासी लोग सियासी बातें करेंगे ना, उनको असलियत तो मालूम नहीं, तो सियासी को सियासी रहने दो, लोकसभा चुनाव असलियत रहने दो। लोकसभा चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सर? लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी क्या? अब मैं आपको बताऊं कि क्या स्ट्रेटेजी है। मोदी जी आपको बताते हैं उनकी लोकसभा की क्या स्ट्रेटेजी है? मोदी जैसे चेहरे से मुकाबला करना है सर, तो आप रुकिए जरा, अभी 2000 दिल्ली दूरस्त। तो क्या कांग्रेस और सपा की दूरी घट रही है क्या? फिर वही बात, अरे भाई आप मेरे नॉमिनेशन के बारे में सुनने आओ और राजनीतिक बातें संभावनाएं रास्ते बहुत सारे। रुक जाइए आप, रुक जाइए, थोड़ा वक्त वक्त है अभी। तो कपिल सिब्बल साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बहुत समय है, लंबी सियासत होनी है और उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हो पाएंगी। तो हमारे सहयोगी मनीष ने कपिल किसी भी बात से देखिए, बिल्कुल सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो आगे 2024 की लड़ाई में कौन कौन नए सहयोगी इस लड़ाई में साथ जुड़ेंगे ये जो है आगे भविष्य की गत में छुपा है। लेकिन एक नया समीकरण जरूर बनने की कोशिश यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो अखिलेश अपनी यूपी की सियासत में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी वोट बैंक है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी अब तक सियासत करती आई है, और आजम खां उसका एक बड़ा चेहरा है, तो आजम खां को बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, उनके बयानों से नाराजगी समझी भी जा सकती थी। मुलायम सिंह यादव जिसे अपना महबूब नेता बताया करते थे कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन इस बार जो है आजम लगातार कहते रहे कि मुलायम सिंह यादव ने उनसे बात नहीं की, उनके पास शायद नंबर ना रहा हो, वो किसी से नाराज नहीं है, उनकी औकात नाराजगी लायक नहीं है, तो अपने बयानों के जरिए अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे थे और दबाव काम आया और राज्यसभा का रास्ता कपिल सिब्बल के लिए साफ हुआ। अब रामपुर लोकसभा क्षेत्र जहां से आजम खान ने इस्तीफा दिया है वहां पर आजम के परिवार के सदस्य को टिकट मिले, ऐसी भी कोशिश आजम की तरफ से की जा रही है। तो अखिलेश यादव आजम खान की उसी नाराजगी को कम करने की कवायद कर रहे थे, उसमें आज एक बड़ा कदम कपिल सिब्बल को राज्यसभा का नामांकन दाखिल करके उठाया गया है। लेकिन मनीष सवाल ये खड़ा होता है कि फिर समाजवादी पार्टी अपने अंदर खाने की तमाम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेगी? आपने आजम खान को बैलेंस कर लिया हो सकता है मान लीजिए, लेकिन शिवपाल यादव के सुर अभी से बुलंद हो गए, हो सकता है दूसरा कोई नेता जो उम्मीद कर रहा हो कि वो सेफ सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा चला जाएगा, उसकी नाराजगी समाजवादी पार्टी कैसे बर्दाश्त करेगी? देखिए बिल्कुल आवाज़ें उठने लगी हैं, हालांकि इस आवाज़ को शिवपाल सिंह यादव ने अपना मुंह दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं दबी जुबान में कि समाजवादी पार्टी में बाहरी लोगों को खास तौर पर तवज्जो दी गई है, चाहे चुनाव के दौरान रहा हो, जो बीजेपी छोड़कर लोग आए थे उन पर ज़्यादा भरोसा जताया गया, उनको ज़्यादा प्रमुखता दी गई, बजाय कि अपने कार्यकर्ताओं के जो टिकट के वाकई हकदार थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और वही राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उस नाराजगी को दूर करना एक चुनौती भरा, एक जोखिम भरा काम है, लेकिन आजम की नाराजगी शायद पहले जरूरी थी जिसके चलते अखिलेश यादव ने कदम उठाया, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर तन जरूर कसा कि चापलूसों से उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, अगर चापलूसों से वो सावधान रहते और जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं, परिवार के लोग हैं जो राजनीति में स्थापित, उनको शायद मौका दिया गया होता तो आज वो सत्ता में होते। हालांकि डिंपल यादव जिनकी भी चर्चा है कि उन्हें तीसरी सीट जो समाजवादी पार्टी जीत सकती है उससे राज्यसभा में भेजा जा सकता है, उनका जरूर कहना था कि ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो परिवार की बहू है, तो एक तरीके से खुशी इस बात को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने जाहिर की। जी लेकिन मनीष ऐसा नहीं लग रहा कि जो कांग्रेस पार्टी गलतियां अब तक करती चली आई है अपने मेंबर्स को, अपने बड़े टॉप लीडर्स को नाराज करने का, वही गलती वही चीज अखिलेश यादव अब दोहरा रहे हैं? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है, 2017 के बाद से लगातार 2017 नहीं बल्कि 2014 का चुनाव। मनीष एक बार फिर आपका रुख करेंगे, राम गोपाल यादव इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। पड़ता है नहीं पड़ता तो कभी गिना और नाप आप लोगों ने उसको कितना फर्क पड़ेगा। तीसरा प्रत्याशी क्या डिंपल जी होंगी? अध्यक्ष जी से पूछे, अध्यक्ष जी से हटाओ यार। तो मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो